बाबा साहब के ऐसे कारनामे जिन्हें आपसे कभी बताया ही नहीं जाता, चलिए हम बताते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर आल साइंस जैसी डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले बाबा साहब दुनिया के पहले व एकमात्र व्यक्ति हैं। कई बुद्धिमान लोगों ने इसे आजमाया है लेकिन वे अब तक सफल नहीं हुए हैं। सोचिए बाबा साहब कितने ज्ञानी थे, तभी तो उन्हें डॉक्टर ऑफ आल साइंस की उपाधि मिली हुई है। दुनिया भर में जितने भी नेता हैं उनके नाम पर लिखे गए गीतों व किताबों की संख्या सबसे अधिक बाबा साहब के नाम पर ही दर्ज है। बाबा साहब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। इसका रीजन, कानून की समझ उनसे ज्यादा किसी के पास नहीं थी, लेकिन जब बाबा साहब के महिला अधिकार विधेयक का संसद में विरोध किया तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि ये बात बहुत कम महिला व लड़कियों को पता है। वित्त आयोग का सभी 13 रिपोर्टों के संदर्भ का अनूठा स्रोत एक तरफ से बाबा साहब की PhD पर आधारित है। थीसिस ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास 1923 में लिखा गया। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल भीमराव मिशन इन द वर्ल्ड को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम।